पिछले हफ्ते तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, स्पेशल बोर्ड का मीटिंग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसको लेकर हम स्पेशल बोर्ड का मीटिंग बुलाए थे पिछले हफ्ते। उस मीटिंग में हम लोग 3 रेजोल्यूशंस पास किए थे। उसमें एक रेजोल्यूशन सबसे पहले और हिंदुस्तान वाहिद तेलंगाना वक्फ बोर्ड है, ये बिल अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट हाउस में आने के बाद पहला बोर्ड है जो इसको यूनानी मसली इसको रिजेक्ट करते हुए एक बिल पास किए थे हम। और उसके बाद उसमें 2 चीज़ें हम उसमें ऐड किए थे। एक कि हम जॉइंट वर्किंग पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम जो एक रिप्रेजेंट करेंगे तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से, इसलिए हम उन उसके बाद हम उसी दिन जॉइंट वर्किंग कमेटी को हम एक मेल किए थे, हम ऐसा आपके पास आना चाह रहे हैं। और तीसरा ये था कि तमाम नॉन बीजेपी स्टेट्स के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और सीईओस को बुला के हम यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो रेजोल्यूशन पास होने के बाद हम गवर्नमेंट को भी रेजोल्यूशन भेजे हैं, और जैसा आप लोग भी जानते हैं, आप मीडिया को भी उस चीज़ के इल्म है। तो हम जब उसी जिस दिन हम रिक्वेस्ट भेजे थे कि हम जेपीसी में हम तेलंगाना आना चाह रहा है जॉइंट वर्किंग कमेटी में, तो हमको दूसरे दिन वहाँ से रिप्लाई आया कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड को 6 तारीख के दिन 2:30 बजे का टाइम दिया गया जॉइंट वर्किंग कमेटी की जानिब से। तो उसी सिलसिले में हम बहुत सारे अहम शख्सियात से इस बिल के जो 40 अमेंडमेंट बिल है इसमें जो इसके ऊपर हम बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से जो अभी जो आईएएस है, ब्यूरोक्रेट से जो रिटायर आईएएस है, सीनियर्स है, और बहुत सारे वकला है, एडवोकेट्स है जो सीनियर एडवोकेट्स है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग बात किए, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से बात करके हम एक कंपेरेटिव हम एक फॉर्मेट तैयार किए जिसमें 1995 का एक्ट है और 2024 का जो अभी प्रपोज्ड बिल है वो रखते हुए हमारे उस पर सजेशंस पूरे सभी 40 उसके ऊपर हम सबको सर्कुलेट किए। उसके बाद हम जो 6 तारीख के दिन हम जो प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास हम जो डॉक्यूमेंट हम जो रिप्रेजेंटेशन लेके जाएंगे उसका एक रफ्ट ड्राफ्ट लेके हम ये जुमा के दिन ये डिसाइड किए कि हम पीर के दिन एक इनफॉर्मल मीटिंग बोर्ड के मेंबर्स के साथ इनफॉर्मल मीटिंग हम रखेंगे जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो जो भी किसी के अगर कुछ सजेशंस है इसमें, कुछ कौन से सजेशंस है, कौन से हम इसमें रखना है, कौन सा निकालना है, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट से भी हम मशवरा किए, गवर्नमेंट से भी हम जाने की इजाज़त दिए, गवर्नमेंट भी इजाज़त दी। और उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट का भी ये सजेशन था कि आप इनफॉर्मल मीटिंग आप मेंबर्स के साथ बैठिए, उसके बाद कुछ चेयरमैन जो हुकूमत में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड चेयरमैन हैं और दूसरे भी मुस्लिम चेयरमैन हैं उन लोगों को भी बुलाइए, उनको भी सबको। और इसके लिए आज की मीटिंग में हम एक इनफॉर्मल मीटिंग सुबह में हम 10:30 बजे से हमारी 12 बजे तक हमारे बोर्ड के मेंबर्स की इनफॉर्मल मीटिंग थी जिसमें बोर्ड के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब थे उस बोर्ड के मीटिंग में, हमारे इनफॉर्मल मीटिंग में, और जनाब अकबर निजामुद्दीन साहब हमारे सीनियर मेंबर बोर्ड के थे, हमारे एमए के मुखी साहब एक बोर्ड के मेंबर थे, और निसार हुसैन हैदरी साहब उस बोर्ड के इनफॉर्मल मीटिंग में थे, और वक्फ बोर्ड के नए सीईओ असदुल्लाह साहब थे, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के जो गए गुज़िश्ता कल तक जो अथॉराइज ऑफिसर थे लियाकत हुसैन साहब थे, वो मीटिंग में हम इन डिटेल में डिस्कशन किए, डिस्कशन करके सबके सजेशंस हम लिए उसमें। और जिस तरीके से जॉइंट वर्किंग कमेटी काम कर रही है, उन सजेशंस लोग किस तरीके से उनका क्या लोग इंक्वायरीज है, क्या क्वेश्चंस है, वो लोग क्या पूछ रहे हैं, हमको क्या देना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल से उसका डिस्कशन हुआ। और हनबुल पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब भी एज ए, क्योंकि वो खुद भी एक जॉइंट वर्किंग कमेटी के मेंबर है, वो भी कुछ सजेशंस दिए कि किस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हुआ। उसके बाद 12 बजे से
हमारे जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटी गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स के एडवाइज़र जनाब शब्बीर अली साहब आए थे, उसके उनके साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर के स्पेशल सेक्रेटरी जनाब तफसीर इकबाल साहब आए थे, और टेम्बरीज के वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट जनाब फ़हीम कुरैशी साहब आए थे, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल साहब आए थे, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब मौजूद थे, उनके साथ साथ फूड कॉरपोरेट तेलंगाना गवर्नमेंट के फूड कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब मोहम्मद फहीम साहब आए थे, और लाइब्रेरी स्टेट लाइब्रेरी के चेयरमैन जनाब प्रोफेसर रियाज साहब आए थे। इन लोग के सामने भी जो हमारे मेंबर्स में जो डिस्कशन हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको भी हम सर्कुलेट करके उनके साथ भी हम इन डिटेल में डिस्कस किए, और उनके तजावीज़ों को भी जो वहाँ पर दे सकते थे लिए, क्योंकि हमको कल जॉइंट वर्किंग कमेटी में कल हम उनको सॉफ्ट कापी भेजना है, तो आज उनसे भी कुछ अगर शाम तक आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो आप दीजिए, रिटर्न में दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 40 के 40 अमेंडमेंट के ऊपर आपको जो समझ में आया सुझाव दीजिए, हम उनको सबको इनकॉर्पोरेट करके एक हम रिप्रेजेंटेशन अच्छा तेलंगाना के वक्फ बोर्ड की जानिब से हुकूमत जो जॉइंट पार्लियामेंट वर्किंग कमेटी है उसको हम 6 तारीख के दिन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 6 तारीख के लिए 7 मेंबर्स का हमको परमिशन मिला है, 7 मेंबर्स के लिए हम मैक्सिमम आप 5 से 7 मेंबर आ सकते हैं करके हम उनको रिक्वेस्ट किए कि मेंबर्स को आप थोड़ा सा बढ़ाइए, तो वो बोले कि नहीं हम 5 से 7 मेंबर से ज़्यादा हम नहीं, तो इसलिए हम तेलंगाना की जानिब से इंशाल्लाह हम 7 मेंबर्स बोर्ड के जानिब से 7 मेंबर्स वहाँ पर 6 तारीख के दिन 2:30 बजे हमारा टाइम है उसमें जाके वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की मंशा है, वक्फ को ख़त्म करने की जो कोशिश की जा रही है उसके तलुक से एक स्ट्रॉन्ग एक रिप्रेजेंटेशन तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम जॉइंट वर्किंग कमेटी में देंगे, जो आज उसी वही आज हमारे बीच यहाँ पर डिस्कशन हुआ। प्रोटेस्ट का प्रोग्राम नहीं, अभी 6 तारीख के बाद हम जब वो जॉइंट पार्लियामेंट्री का बॉडी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब हम प्रेजेंट करेंगे उसके बाद फिर आगे क्या क्या स्ट्रैटेजी होगा फिर आप तय करेंगे, जो दूसरे रियासतों के वक्फ बोर्ड चेयरमैनों को बुलाकर वो 6 तारीख के बाद हम डिसाइड करेंगे, उसमें प्रोटेस्ट का भी होगा या जलसे आम होगा या फिर आपका दूसरे चेयरमैन स्टेट्स के चेयरमैन और सीईओ को तेलंगाना को मिला के 10 नॉन बीजेपी स्टेट्स है उसमें चेयरमैन और सीईओ वगैरह जहाँ जहाँ पर चेयरमैन नहीं है वहाँ पर क्या करना है उसके ऊपर तफसील से बात करके हम 6 तारीख के बाद उसका प्लान करेंगे। फिलहाल तो 6 तारीख की तैयारी में 6 तारीख का एक डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो स्ट्रांग हमारा एक सजेशन सब हमारा ओवरव्यू हमारा व्यू उनके गवर्नमेंट के वो कमेटी के सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेंबर्स बोर्ड के मेंबर्स है, वो बोर्ड के मेंबर्स दूसरे कोई नहीं, बाहर जो भी है बोर्ड के मेंबर्स से रहेंगे।